नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। शाहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा से क्लियर हो गया कि इमरान को सत्ता से हटाने की साजिश अमेरिका में नहीं बल्कि सऊदी अरब में बैठकर रची गई थी। इस साजिश में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा रोल अदा किया था। इतना ही नहीं, इमरान खान भी सच्चाई को जानते थे मगर उनकी मत कभी भी सच कहने की नहीं हुई। उन्होंने इस मुद्दे को अमेरिका की तरफ डाइवर्ट कर दिया और सऊदी अरब को गेम खेलने का खुला मैदान उपलब्ध करा दिया। इमरान खान पर प्रिंस सलमान हद से अधिक कुपित थे। जब से लोंडे ने खुद को इस्लामी लीडर बनाने के ख्वाब देखे, सऊदी ने पाकिस्तान से रिश्ते सीमित करने शुरू कर दिए। साल 2019 के बाद तो इमरान खान प्रिंस सलमान की आंखों की किरकिरी बन गए थे। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान को कर्ज देना तो दूर, अपना पिछला लोन ही अर्जेंट वापस मांग लिया, जिससे पाकिस्तान की परेशानियों में और ज्यादा इजाफा हो गया। पाकिस्तान से इमरान सरकार के पतन के बाद सबसे ज्यादा राहत की सांस भी सऊदी ने ली है। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और इमरान की जुगलबंदी टूट गई है। यह दोनों ही लीडर सऊदी अरब के लिए चुनौती बने हुए थे। सऊदी की तरफ से शाहबाज शरीफ के पीएम बनने पर बधाई संदेश भेजा गया। इससे यह संदेह भी साफ हो गया कि इमरान को चलता करने के पीछे सऊदी बड़ी भूमिका निभा रहा था। जिस सऊदी अरब ने इमरान से अपना बकाया लोन वापस मांग लिया था, अब उसी सऊदी ने शाहबाज शरीफ सरकार को $8 अरब का भारी भरकम कर्ज देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम है जो उसकी अर्थव्यवस्था को उबारने में संजीवनी का काम करेगी। इस पैकेज में पैसों के साथ उधार का तेल और पुराने कर्ज की अदायगी भी शामिल है। सऊदी ने अपने $4,20,00,000 की कर्ज अदायगी भी 2023 तक बढ़ा दी है। उधार तेल देने की सुविधा को $1,20,00,000,000 से दोगुना करके $2,40,00,000,000 कर दिया है। इतने नहीं, $3 बिलियन की जमा राशि को जून 2023 तक पाकिस्तान के बैंक में रखने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब इतना भी सरल नहीं है जिसे इशारों में समझा जा सके। दरअसल इमरान खान को पाकिस्तान की राजनीति में हाशिए पर करने के लिए सऊदी अपना प्लान बी लागू कर चुका है। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इमरान फिर से पाकिस्तान के पीएम बन जाए। इसके लिए उसने शाहबाज शरीफ सरकार को मजबूत करने के लिए डॉलर की भारी बरसात कर दी है। यह कर्ज मिलने के बाद शाहबाज शरीफ देश में तेल की कीमतों को स्थिर रखने में सफल साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही डॉलर की बढ़ती कीमत पर भी नियंत्रण हो पाएगा, जबकि महंगाई से जूझती मदरसा पैदाइश को राहत मिलने की उम्मीद भी है। सऊदी द्वारा उधारी तेल का कोटा बढ़ाने से पाकिस्तान में चीजों के दाम में हो रही वृद्धि ठहरने का भी अनुमान है। बिजली उत्पादन संकट जो अभी अचानक उत्पन्न हो गया है, उसके भी दूर होने की संभावना बन गई है। यानी इमरान जिन बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे थे, शाहबाज शरीफ सरकार को उनसे बचाकर सऊदी अरब उन्हें मजबूत पीएम साबित करना चाहता है। शाहबाज शरीफ ने अपनी पहली विदेश यात्रा में सिकसर लगाकर पाकिस्तानियों को दिखा दिया है कि वे एक मंझे हुए नेता हैं और विदेश नीति कैसे होती है, इस मामले में इमरान उनके आगे बोने हैं। वे किसी विजेता की तरह पाकिस्तान लौटे हैं और पाकिस्तान के भीतर भी अब उनसे ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई है। इमरान खान शाहबाज शरीफ की सफलता पर बोलने लायक नहीं है, पर अगर वह जनता को सऊदी अरब की साजिश को बताने का साहस जुटा सके तो बाजी फिर से उनके हाथ में आ सकती है। वह अवाम के सामने प्रिंस सलमान के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का पर्दाफाश करे तो वह पाकिस्तान की राजनीति में फिर से वापस लौट सकते हैं, अन्यथा उनकी खामोशी उन्हीं का काल बन जाएगी। 29 अप्रैल को मदीना की मस्जिद नवाबी में शाहबाज शरीफ के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए गए। पाकिस्तान में यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि यह इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं की कारस्तानी है, पर कहने वाले तो यही कहते हैं कि यह पाक फौज और आईएसआई का ऐसा दांव है जिसका सामना करने की इमरान के पास हिम्मत नहीं है। खुद पाकिस्तानी अवाम को भी इस तरह का प्रदर्शन नागवार गुजरा है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे पवित्र मस्जिद का अपमान हुआ है, पर वास्तविकता तो पाक फौज और आईएसआई ही जानती है। अब इमरान खान पर धूर्त मुल्ला पॉलिसी की लातें पड़ना शुरू हो गई है। उनके अलावा शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी और 150 लोगों के खिलाफ पाकिस्तान के काले कानून इस निंदा में केस दर्ज कर लिया गया है। यह पाकिस्तान में एक ऐसा कानून है जिससे इमरान खान का बचना बहुत ही मुश्किल है। यानी अब इमरान खान के गिरफ्तार होने का खतरा पैदा हो गया है।
यानी पाकिस्तान में सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा प्रिंस सलमान ने प्लान तैयार किया था। इमरान खान पाक आर्मी आईएसआई से पंगा लेकर उनकी आंखों का कांटा बन चुका है, जबकि सऊदी पाकिस्तान की मदद करके जता रहा है कि मदरसा पैदाइश को इमरान खान की बजाय शहबाज शरीफ की ज्यादा जरूरत है। यानी खिलाड़ी बड़े हैं, खेल भी बड़ा है और इमरान इन सब के सामने बहुत छोटा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।